ब्राजील के डॉक्टरों ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। 123 दिनों से मरी हुई एक औरत ने दो जुड़वा बच्चों को पैदा किया। ज्यादातर लोगों को इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सच है। और इस प्रकार की कई घटनाएं दूसरे देशों में भी हो चुकी है, जिनमें किसी प्रेग्नेंट महिला की मौत होने के बाद भी उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है और उसे तब तक शारीरिक रूप से जिंदा रखा जाता है जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बिना आत्मा के हमारा शरीर काम कर सकता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि आत्मा के बिना हमारा शरीर कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन यह सच नहीं है। आत्मा के बिना भी किसी शरीर को जब तक चाहे जिंदा रखा जा सकता है। एक मरे हुए इंसान के शरीर का विकास हो सकता है, मरा हुआ शरीर प्रेग्नेंट हो सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, बूढ़ा होकर मर भी सकता है। यानी तकनीक के दम पर किसी बच्चे के शरीर को तब तक जिंदा रखा जा सकता है जब तक उसकी बूढ़ा होकर मौत नहीं होती। इससे साबित होता है कि मौत दो प्रकार की होती है, पहली आत्मा की मौत और दूसरी शरीर की मौत। आत्मा की मौत उसी समय हो जाती है जब हम दिमागी रूप से मर जाते हैं, यानी ब्रेन डेड हो जाते हैं। लेकिन शरीर की मौत एक लंबे प्रोसेस से होती है जो वहाँ के वातावरण पर निर्भर करती है। पहाड़ों में बर्फ में छिपी हजारों साल पुरानी डेड बॉडी मिली, जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे इसकी मौत कुछ समय पहले ही हुई हो। टेम्परेचर का तो हमारे शरीर की मौत पर असर पड़ता ही है, लेकिन अगर हमारे शरीर को जरूरी चीजें मिलती रहे तो यह एक जिंदा इंसान के शरीर की तरह ही काम करता रहेगा। इसके लिए जरूरी ब्लड प्रेशर, उचित शरीर का तापमान, किडनी फंक्शन, हार्मोन्स और हार्ट फंक्शन जरूरी है। और आज हमारे पास वो तकनीक है जिसकी मदद से हम ये सारी चीजें शरीर को मरने के बाद भी दे सकते हैं और उसे जब तक चाहे जिंदा रख सकते हैं। इस बात से साबित होता है कि जो काम आत्मा को करने थे वो काम हम आज की तकनीक के साथ कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सभी काम कोई आत्मा नहीं करती, बल्कि हमारा दिमाग करता है। असल में दिमाग ही हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, ना कि कोई आत्मा। पहले हम सोचते थे कि आत्मा हमारे पूरे शरीर में होती है और मरने के बाद आत्मा ठीक वैसे ही दिखेगी जैसे हमारा शरीर होता है, यानी आत्मा के भी हाथ पैर मुंह और पूरा शरीर होगा। लेकिन जब हम हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर आदि को बदलने में कामयाब हो गए तो हमें पता चला कि एक मरे हुए इंसान के अंग भी किसी दूसरे इंसान के शरीर में काम कर सकते हैं। यह तो कुछ भी नहीं, कई वैज्ञानिकों ने जानवरों पर ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं जिनमें एक जानवर की गर्दन को काट कर उसका सिर फिर दूसरे जानवर के शरीर में लगा दिया और वो जानवर कुछ समय के लिए जिंदा भी रहा। अब ऐसा ही प्रयोग कुछ डॉक्टर इंसानों पर भी करने वाले हैं, जिसमें एक इटालियन डॉक्टर और कुछ चाइनीज डॉक्टर इस प्रयोग को करने वाले हैं, जिसकी चाइना ने परमिशन भी दे दी है। दुनिया का पहला इंसानी हेड ट्रांसप्लांट कभी भी सफल हो सकता है। इन बातों ने यह भी साबित कर दिया कि आत्मा हमारे सिर से नीचे ही नहीं होती है। सिर्फ यही नहीं, नाक, कान, मुंह, आंखें और दिमाग के कई हिस्सों के बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के दम पर मरे हुए व्यक्ति के शरीर को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम मरे हुए व्यक्ति के दिमाग को जब तक चाहे जिंदा रख सकेंगे। और सिर्फ यही नहीं, मरे हुए व्यक्ति के दिमाग को फिर से एक्टिव भी किया जा सकेगा। इस पर कई रिसर्च चल रही है और बहुत से केस में हम ऐसा कर भी चुके हैं। असल में मौत एक सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ एक बीमारी की तरह है जिसका इलाज किया जा सकता है। मौत की असली परिभाषा यह है कि जिस व्यक्ति को आज की टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदा नहीं किया जा सकता, उसे हम मरा हुआ मान लेंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो नोट करने वाली है वो आज की तकनीक है। इसलिए अगर भविष्य की तकनीक एडवांस होगी तो मौत की परिभाषा भी बदलेगी। जैसे आज हम हार्ट अटैक से मरे हुए इंसान को 2 से 3 मिनट बाद भी कृत्रिम सांस देकर जिंदा कर सकते हैं, और नई स्टडी बताती है कि 10 से 15 मिनट तक मरे हुए इंसान के दिमाग में भी कुछ हलचल देखी गई है। इन सभी बातों से समझ आता है कि मौत कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे कोई शरीर से बाहर आत्मा गई और इंसान तुरंत मर गया। असल में मौत एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है। अगर हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी तो 4 मिनट बाद दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसके बाद दिमाग का शरीर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा और बाकी के अंग भी काम करना बंद कर देंगे। इसके बाद पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा और अंत में हमारे शरीर के सभी कोशिकाएं खत्म होने लगेगी
और शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम आत्मा के शरीर छोड़ने की वजह से मरते हैं तो हार्ट अटैक आने के बाद कोई भी इंसान कृत्रिम सांस की वजह से जिंदा नहीं होता। और अगर आत्मा हमारे शरीर को जिंदा रखती है तो कोई भी महिला मरने के बाद बच्चे को कई महीनों बाद जन्म नहीं दे पाती। असल में पहले लोगों को पता ही नहीं था कि मौत क्या है और इंसान किस प्रकार मरता है। वो यही सोचते हैं कि आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तभी हमारी मौत होती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत था। बहुत से लोग अभी भी सवाल करते हैं कि अगर आत्मा नहीं होती तो फिर इंसान मरता क्यों है। उनका मानना है कि मरने के बाद भी शरीर में सभी अंग मौजूद होते हैं, फिर वो काम क्यों नहीं करते। लेकिन अगर किसी भी मरे हुए इंसान का पोस्टमार्टम करवाया जाए तो हमें पता चलेगा कि उसकी मौत क्यों हुई। कोई भी इंसान बिना वजह नहीं मरता, उसके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा कारण जरूर होगा जिसकी वजह से उसकी मौत हुई हो। फिर लोग ये सवाल करते हैं कि चलो मान लिया उसकी मौत किसी अंग में आई कमी की वजह से हुई है, फिर उसे दूसरा अंग लगाकर जिंदा क्यों नहीं किया जा सकता। जैसे किसी व्यक्ति की मौत हार्ट में आई किसी कमी की वजह से हुई है, अगर उसका हार्ट बदल दिया जाए तो फिर भी वो जिंदा क्यों नहीं होता। हम इंसान के शरीर को किसी गाड़ी की तरह समझते हैं और सोचते हैं कि एक सामान खराब होने से जैसे पूरी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता, वैसे ही हमारे शरीर के साथ होना चाहिए। लेकिन हमारा शरीर कोई गाड़ी नहीं है। जैसे ही हार्ट काम करना बंद करता है, उसी समय दिमाग और बाकी के अंग भी काम करना बंद कर देते हैं। और हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है और ये सभी कोशिकाएं भी मरना शुरू कर देगी जब उन्हें ऑक्सीजन और बाकी जरूरी चीजें नहीं मिलेगी। गाड़ी का एक सामान तो बदला जा सकता है, पर क्या आप किसी गाड़ी में पूरा का पूरा सामान नया लगा सकते हो? इससे अच्छा आप नई गाड़ी लेना पसंद करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि शरीर के किसी अंग में आई कमी के बाद हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम चाहे तो उसके बाकी शरीर को वेंटिलेटर की मदद से जिंदा रख सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जिंदा करने के लिए उसे उसके खराब अंग के साथ साथ दिमाग की भी जरूरत होगी। लेकिन क्या कोई मरे हुए इंसान को अपना दिमाग देना पसंद करेगा? जब हम पूरे शरीर को बदल सकते हैं तो दिमाग को भी किसी दूसरे शरीर में डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक जिंदा इंसान का दिमाग चाहिए। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इसलिए हमारे वैज्ञानिक एक मरे हुए इंसान के दिमाग को ही जिंदा करने के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इसमें बहुत जल्द कामयाब भी होंगे। शरीर को कैसे जिंदा रखा जा सकता है इसका हमें अच्छी तरह से पता चल चुका है, लेकिन जिस दिन हम दिमाग को जिंदा रखने में कामयाब हो जाएंगे उस दिन हम अमर हो जाएंगे और हम इससे ज्यादा दूर नहीं हैं। असल में लोगों को लगता है कि आत्मा से ही हमारा वजूद है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि दिमाग से ही आत्मा का वजूद है। आत्मा क्या होती है इसके बारे में आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आत्मा सिर्फ हमारे खुद के होने का एहसास होता है जो दिमाग की वजह से होता है। यह दिमाग में ही बनती है और दिमाग में ही खत्म हो जाती है। ना तो आत्मा बाहर से आती है और ना ही मरने के बाद शरीर से बाहर जाती है। कोमा के मरीज कई सालों तक बिना आत्मा के पड़े रहते हैं, लेकिन जब उनका दिमाग फिर से पूरी तरह एक्टिव हो जाता है उनकी आत्मा वापस आ जाती है। साइंस की वजह से हमें पता चला कि हार्ट अटैक और कोमा के मरीज फिर से जिंदा हो सकते हैं, इसलिए आज हम उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो पहले ऐसे मरीजों को मरा हुआ मानकर जला देते थे। उसी प्रकार जब 20 से 30 सालों बाद मरे हुए इंसान के दिमाग को फिर से जिंदा किया जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हम कितने बेवकूफ थे। आज हमें वो लोग बेवकूफ लग रहे होंगे जो कोमा के मरीज को जला देते थे। इस प्रकार हमने साबित किया कि हमारी मौत आत्मा की वजह से नहीं होती और ना ही कोई आत्मा होती है जो हमारे शरीर में बाहर से आती है और हमें मरने के बाद छोड़ देती है। सब कुछ शरीर में ही बनता है और शरीर के साथ ही खत्म होता है। और मौत एक सच्चाई नहीं है, सिर्फ एक बीमारी है जिसका भविष्य में इलाज संभव होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे बेस्ट इन्फो चैनल दीप्ति और रियल साइंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।